मुख्यमंत्री के सपनों का शहर इंदौर की खूबसूरती के दुश्मन बन चुके पौधा चुराने से परेशान नगर निगम अब सीसीटीवी से चोरों को पकड़ेगा। दरअसल नगर निगम इन दिनों शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मुख्य मार्ग सहित अन्य चौराहों पर सजाए गए पौधों की चोरी करने वालों से काफी परेशान हो गया है। नगर निगम विभिन्न चौराहों पर खूबसूरत फूलों के पौधे लगाता है और रात में लोग इन्हें चुरा कर ले जाते हैं। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। नगर निगम के अधिकारी कैलाश जोशी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सायाजी होटल चौराहे और व्हाइट चर्च चौराहे पर लगे महंगे फूलों की चोरी की जाती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा इन चौराहे की चौकीदारी नहीं की जा सकती, इसीलिए अब चोरों को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। संबंधित थानों में भी इसकी लिखित सूचना दी जा चुकी है। शहर में 7-स्टार रेटिंग के लिए जो सौंदर्यीकरण के काम प्रमुख चौराहे और रोटरियों पर किए जा रहे हैं, उसमें पहली बार जो है मौसमी पुष्प जो है इसमें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती दिखती है। तो कई जगह पे कुछ लोग जो है उसमें से पौधे निकाल के ले जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ 10 से 12 पौधे हमारे यहाँ सयाजी के सामने जो रोटरी तैयार की थी उस पर लोग निकाल के ले गए। इसके अलावा कुछ बड़े महंगे पौधे जो है व्हाइट चर्च के पास में MY का जो चौराहा है वहाँ से पहले दिन एक पेड़ निकाल के ले गए, उसके बाद 2 ले गए और अभी 3 पौधे और ले गए। अब 24 घंटे इस तरह की जो है हर स्थान पे चौकीदार रखना संभव नहीं है। तो हम तो जनता से यही करेंगे कि इसमें जहाँ भी दिखे इस तरह की जो है सूचना हमारे निगम कंट्रोल को दे, या हमारा स्टाफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह जो है कुछ समय के लिए जो है ऐसे समय जिस समय चोरी होने की संभावना रहती है उस समय खड़े रख के उसमें भी हम जो है निगरानी कर रहे हैं। ये पौधे कौन से थे, कितनी कीमत इनकी थी? सयाजी रोटरी के साम जो लगाए थे पौधे उनकी कीमत तो 15 से 20 रुपए के आसपास थी, लेकिन जो व्हाइट चर्च के पास में जो पौधे लगे थे वो पौधे जो है महंगे थे, लगभग 700 रुपये प्रति पौधा था।